पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की। पार्टी ने 12,518 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। इस चुनाव परिणाम ने यह बता दिया कि पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में दीदी का जलवा अभी भी कायम है। आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा, इस पर राजनीतिक पंडित अलग अलग बातें कह रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का यह दावा है कि विपक्षी एकता के बीच इस बार ये बढ़त निर्णायक होगी। हालांकि भाजपा ने यह दावा किया है कि पिछले पंचायत चुनाव में भी तृणमूल ने बड़ी जीत हासिल की थी। इसके बाद भी भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 18 सीटों पर जीत हासिल की। इस बार भी उसी सिलसिले को जारी रखने की उम्मीद भाजपा की है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार को भी भूमि सुधार और ग्रामीण इलाकों में शुरू की गई लोक कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिला। इसी समर्थन के बदले ममता बनर्जी ने वाम दलों का जो किला था उसे फिलहाल ध्वस्त कर दिया। नए पंचायत चुनाव परिणामों में तृणमूल कांग्रेस की ग्रामीण इलाकों में जो पकड़ थी वो बरकरार दिखाई पड़ी। पिछले पंचायत चुनाव में भी तृणमूल ने 38,000 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। इससे ग्रामीण मतदाताओं के बीच ममता बनर्जी की पकड़ बरकरार दिखाई पड़ रही है, ऐसा लग रहा है, रिजल्ट ये बता रहे हैं। हालांकि पंचायत चुनाव में हुई हिंसा ने राज्य सरकार की जीत धूमिल कर दी। हाईकोर्ट के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर कठोर टिप्पणी करते हुए केंद्रीय बलों की नियुक्ति कर यह बता दिया था कि राज्य में हिंसा का आरोप केवल राजनीतिक नहीं है। अब तक 32 से ज्यादा लोगों की राजनीतिक हत्या का मामला सामने आ चुका है। 2018 के पिछले पंचायत चुनाव में भारी संख्या में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए थे। इस बार इस संख्या में काफी कमी आई है, जबकि इसी दौरान भाजपा के ज्यादा संख्या में निर्विरोध निर्वाचित हुए उम्मीदवारों ने राज्य में नए चुनावी समीकरण पैदा होने के संकेत भी दे दिए। अब समझिए कि भाजपा ने क्या आरोप लगाया है। इधर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने अमर उजाला से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल पंचायत में जमकर हिंसा हुई है इस चुनाव में, और नामांकन से लेकर मतदान मतगणना तक हिंसा जारी रही। इस दौरान 45 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत हुई। भाजपा ने चुनाव के दौरान हिंसा के लिखित 34 शिकायतें राज्य चुनाव आयोग के समक्ष दर्ज कराई थी, लेकिन आरोप यह है कि एक मामले में भी कार्रवाई नहीं हुई। राज्य सरकार ने भारी बल का उपयोग करते हुए पंचायत चुनाव में जीत हासिल की है, ऐसा भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इतनी भारी हिंसा के बाद भी कांग्रेस और वाम दलों ने पश्चिम बंगाल के हिंसा का कड़ा विरोध नहीं किया। ऐसे में यह साबित होता है कि सत्ता में साथ रहने के लिए ये दल हिंसा की ओर से आंखें बंद किए रह सकते हैं, जिसमें सामान्य लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही। अब समझिए कि राजनीतिक पंडित क्या कह रहे हैं और भाजपा की तरफ से क्या कहा जा रहा है। दरअसल कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि ममता के इस जो रिजल्ट आया है इसका 2024 में खासा असर दिखेगा लोकसभा में। लेकिन प्रेम शुक्ला, जिन्होंने अमर उजाला से बातचीत की, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि पिछले पंचायत चुनाव के दौरान भी तृणमूल कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 18 सीटें जीतने में सफलता हासिल की थी, और इस बार जब केंद्रीय बलों की निगरानी में लोकसभा चुनाव होंगे तब भाजपा अपना प्रदर्शन न केवल बरकरार रखेगी बल्कि यह भी हो सकता है कि इससे ज्यादा सीटें आ जाएं, इसमें बढ़ोतरी हो जाए। जिस तरीके से इस वक्त पूरा पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव का रिजल्ट है उसमें लगातार एक दूसरे पर हमलावर लोग दिख रहे हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि टीएमसी को बढ़त मिली है, लेकिन अभी जिस तरीके की तस्वीर कांग्रेस और बीजेपी खेमे में दिख रही है, वाम दलों के खेमे में दिख रही है, लगातार सब टीएमसी पर हमलावर हैं। आपको बता दें 2018 का जिक्र लगातार किया जा रहा है, तो 2018 में पिछले पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया था। 72% वोटों के साथ 793 जिला परिषद, 8,062 पंचायत समितियां और 38,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों पर कब्जा हुआ था 2018 में टीएमसी का। विपक्ष में भाजपा को केवल 13% ही मतों का फायदा मिला था। 22 जिला परिषद और 5,500 से कुछ ज्यादा पंचायतों पर जीत मिली थी। भाजपा ने इस चुनाव में भी भारी हिंसा का आरोप लगाया था, 2018 की ये बात है। बाद में 2019 में लोकसभा चुनाव हुए तो तृणमूल कांग्रेस ने 43.3% वोट शेयर के साथ 22 सीटों पर और भाजपा ने 40.7% वोटों के साथ 18 सीटों पर कब्जा किया। भाजपा का यह दावा है कि जब केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में केंद्रीय चुनाव आयोग की अगुवाई में लोकसभा चुनाव होंगे तब प्रदर्शन दोहराने में हम फिर सफल रहेंगे, यानी 2019 वाला मामला फिर दिखाई पड़ेगा। हालांकि इस बीच विपक्षी एकता नए समीकरण पैदा कर सकती है जिससे कि सीटों और वोट शेयर में बदलाव देखने को मिल सके। अलग अलग मत हैं, लगातार जो पंचायत चुनाव के रिजल्ट आए उस पर सबकी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं, और इस प्रतिक्रिया को लेकर
अब ये माना जा सकता है कि कुछ लोग इस बात के पक्ष में हैं कि लोकसभा चुनाव पर इसका असर दिखाई पड़ेगा, इस पंचायत चुनाव के रिजल्ट का, और कुछ ये कह रहे हैं कि 2019 में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर थी, लेकिन ऐसा कुछ असर लोकसभा चुनाव में नहीं दिखाई पड़ा, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा। पंचायत चुनाव की मिलीजुली प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है, राजनीतिक विश्लेषकों की आ रही है, और इस बीच जो राजनीतिक दल हैं, उनके प्रवक्ता हैं, उनके नेता हैं, लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसी का विपक्षी एकता से भी इसको जोड़ के देखने की बात हो रही है, क्योंकि कांग्रेस, वाम दल सभी ने ममता बनर्जी के राज्य में हुए इस हिंसा का विरोध किया है, और अब ये कहा जा रहा है कि इसका असर विपक्षी एकता पर भी देखने मिलेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जमीन पर तो कांग्रेस और वाम टीएमसी पर हमलावर है, तो भला एक छतरी के नीचे ये कैसे आ जाएंगे। बहरहाल, भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है कि क्या कुछ होना है विपक्षी एकता को लेकर, लेकिन पश्चिम बंगाल के रिजल्ट के बाद, पंचायत चुनाव के रिजल्ट के बाद, निश्चित ही मिलीजुली प्रतिक्रिया दिखाई पड़ रही है लोकसभा के असर को लेकर। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।